आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड लूट, तुष्टिकरण और वंशवाद का है। मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद और महबूबनगर लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। मोदी ने याद दिलाया कि 10 साल पहले देश में बम धमाके होते थे, ऐसे आतंकी हमले अब नहीं होते। उन्होंने 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए बम विस्फोट को भी याद किया और कहा कि इस चुनाव के पहली बार वोट डालने वालों को शायद इसके बारे में पता है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और वो जानती है कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने चुनाव से पहले मोहब्बत की दुकान से शुरुआत की थी, जो चुनाव आते आते खत्म हो गई और अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने की बात कहकर समाज में जहर घोल रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।